हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मशरूम मसाला की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। बहुत ही आसानी से और एकदम कम समय में, 2 से 3 मिनट में आप बहुत जल्दी जल्दी ये बना सकते हैं। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल है वंदना ब्लॉग्स। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मशरूम लिया। मशरूम को मैंने आटा डाल के इसे धोकर अच्छे से तरीके से साफ कर लिया, उसे कट कर लूँगी। अब साथ में मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी, 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसे मशरूम को डाल के मैं देखिए ये मशरूम को लाल होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब सेम बचे हुए तेल में हम तेजपत्ता डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और थोड़ी सी ये देखिए दालचीनी डाल रहे हैं, कार्डमम, और इसमें 1 बड़ा साइज का प्याज कट करके डालेंगे, एकदम रफली चॉप्ड करके। इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनेंगे, जब तक ये लाल हल्का गोल्डन कलर ना हो जाए। अब देखिए मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है कूट के रखी थी, अब उसे ये मिश्रण को डालेंगे। आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो इसमें, लेकिन इसे कूट के डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। इसे 1 से 2 मिनट तक भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ टमाटर को भी रफली चॉप करके रखा था, उसे ऐड करें। आप चाहो तो प्यूरी भी डाल सकते हो, टमाटर की प्यूरी ऐड कर सकते हैं। इसे टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, जिससे टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएगा और ये हल्का पानी छोड़ेगा, तो हमारा मसाला भी बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ गरम मसाला जिसमें गोल मिर्च पाउडर भी ऐड किया। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून देगी मिर्च कलर के लिए, काश्मीरी लाल मिर्च आप ऐड कर सकते हो। अब मैं इसे डाल के अच्छे तरीके से 1 मिनट तक भुनूंगी, जब तक मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन ना जाए और ये इसमें से तेल अलग ना होने लगे। अब देखिए तेल अलग हो गया। मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अवॉइड भी कर सकते हो, चीनी डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया आता है। अब देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही, 1 कप दही। दही आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आपको दही बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं यूज़ करना है। दही डालने के बाद आपको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है सब्ज़ी, नहीं तो दही जो है वो फट जाएगी और फिर पानी छोड़ देगा, तो आपका मसाला एकदम अच्छे तरीके से ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसमें ग्रीन मटर डालकर इस मसाले को 1 मिनट तक भुनेंगे, जिससे मटर भी पक जाएंगे और हमारा मसाला भी पक के तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। अब देखिए इसमें से तेल देखिए किनारे किनारे से अलग हो रहे हैं ना, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर और साथ ही ऐड करेंगे मशरूम। मशरूम हमने जो फ्राई करके रखा था वो मशरूम ऐड करेंगे इसमें और तब हम पानी ऐड करेंगे। देखिए मशरूम ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें नॉर्मली 1 कप मैं पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं ये सब्ज़ी 4 लोग के लिए बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आप चाहो तो धनिया पाउडर, धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे, जिससे हमारा सब्ज़ी पक जाएगा। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारा सब्ज़ी देखिए कितना अच्छा से पक गया है और कितना टेस्टी, कितना यमी लग रहा है। इस रेसिपी को आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही आसानी से एकदम रेस्टोरेंट जैसे मशरूम मसाला की रेसिपी है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसे बनाओगे तो आप लोग घर में सब बहुत तारीफ़ करेंगे। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे शेयर भी इस वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, एंजॉय। और मैं इस सब्ज़ी को सर्व कर रही हूँ यहाँ पे रोटी के साथ, और साथ में मैंने यहाँ पे चावल बनाया है, तो चावल के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। तो आइए आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए।